ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या रसोई में मिलने वाली चीजों से हार्ट के ब्लॉकेज खुल सकते हैं? आपका जवाब ना हो सकता है, लेकिन सागर के एक वेद का दावा है कि कुछ घरेलू चीजों से गंभीर ब्लॉकेज को ठीक किया जा रहा है। कई लोगों को इसका लाभ भी मिल चुका है और अब दिल्ली एम्स ने भी इस दावे की सच्चाई परखने के लिए पूरी रिपोर्ट मांगी है। दो बंगला पान डंठल सहित, दो लहसुन की कली, 5 ग्राम अदरक और थोड़ी सी शहद, हर घर में ये आसानी से मिल जाते हैं। सागर के वैद्य बीएन जोशी का दावा है कि इनने बनाई जो दवा है वो दिल के बड़े से बड़े ब्लॉकेज को महज 5 से 10 दिन में ठीक कर देगी। बीएन सोनी का कहना है कि सबसे पहले उन्होंने खुद पर इसका प्रयोग किया और जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो दूसरे मरीजों को दवा देना शुरू कर दी। मरीजों में डॉक्टर भी शामिल है। वैद्य बीएन सोनी के मुताबिक इस दवा को बनाना भी बेहद आसान है। दो बंगला पान डंठल सहित, दो लहसुन की कली, 5 ग्राम अदरक को पत्थर पर पीस लें। पीसने के बाद रस को कांच या चीनी के बर्तन में निकालें। निकालने के बाद रस में 2 चम्मच शहद मिलाएं और इस रस को 45 मिनट में धीरे धीरे उंगली से चाट लें। इस दवा को एक बार में नहीं पीना है और इसे खाने के 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। बाबा जी संत कृपा से मुझको दवाई का नुस्खा याद आया कि इसको हम ले लें तो शायद ठीक हो जाऊं मैं। उस दवाई को मैंने 15 दिन लिया। 15 दिन के बाद जो मैं 100 मीटर भी नहीं चल पाता था, करीब दवाई लेने के 1 से 1.5 महीने के बाद रेलवे टूरिज्म का टूर निकला था, उसमें मैं द्वारकाधीश, फिर आपका सोमनाथ, राजस्थान, यूपी, फिर ये अपना घूमते हुए वहाँ पहुँचा था अपने वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई मैंने पैदल पार की थी, पैदल ही वापस आया था। जिन मरीजों ने वैद्य बीएन सोनी का नुस्खा अपनाया है वो इसे हार्ट के ब्लॉकेज का रामबाण उपाय बताते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ ऐसी थेरेपी दीजिए, ये दवाई शुरू कीजिए, आप एंजियोग्राफी और करा लीजिए। तो उसके बाद में जैसे ही मुझे सोनी जी की दवाई का मालूम पड़ा तो मैं इनके पास गया था, इन्होंने इस दवाई के लिए सजेस्ट किया। आज मुझे ये दवाई लेते हुए 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दिन में डे बाई डे सांस भरना कम हो गई है और अब मैं बहुत ही पैदल चलने लगा हूं। अब परेशानी मेरी 80% कम हो गई है। मुझे लगता है कि वो ब्लॉकेज भी बहुत कम हो गए होंगे। वो पैरालिस अटैक आया था, ठीक है, तो मैं डॉक्टर दीपांशु दुबे को मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरी दवाइयां चालू की और मैं गुलाब आश्रम आता जाता रहता हूं, तो जीजा जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा इसको 5 दिन भर खा लो, आपको जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। और मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, बहुत काम करता हूँ और मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन ये दवा 101% सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो इसका भी सेवन करेगा तुरंत लाभ मिलेगा। करीब 100 मरीज इस देसी दवा से आराम पा चुके हैं। अब दिल्ली एम्स ने भी वैद्य बीएन सोनी से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि इस दावे की सच्चाई पता की जा सके। अगर जांच में दावा सही साबित हुआ तो ये नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं होगा। पंकज सोनी, बंसल न्यूज़, सागर।